तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को और देखते हैं वोबल परिकल्पना या सेंट्रल डोगमा होता क्या है। तो देखो वोबल परिकल्पना या सेंट्रल डोगमा इन दोनों ये दोनों चीजें अलग अलग हैं, ये सेम नहीं है, ठीक है। पहली बात तो इस चीज को समझिए, दोनों अलग अलग चीजें हैं लेकिन दोनों को एक ही साइंटिस्ट ने बताया था और उस साइंटिस्ट का नाम है क्रिक। क्रिक ने इन दोनों के बारे में बताया। तो पहले हम क्या देखेंगे, वोबल परिकल्पना के बारे में देखेंगे कि क्या होती है वोबल परिकल्पना। अच्छा, अभी तक आपने क्या देखा, अभी तक आपने यह देखा कि सामान्यतः एक एंटीकोडॉन, एक कोडॉन मतलब जो सामान्यतः एक एंटीकोडॉन होता है एक, और ये एंटीकोडॉन कहां पर होता है, टीआरएनए पर होता है। टीआरएनए पर क्या होता है, एंटीकोडॉन होता है और ये एक एंटीकोडॉन हमेशा एक कोडॉन की पहचान करता है। लेकिन जब ये एक से अधिक कोडॉन की पहचान करने लगे तो इसको हम बोलते हैं वोबल परिकल्पना। क्या बोलते हैं बच्चा, वोबल परिकल्पना बोलते हैं। सामने डायग्राम है, इस चीज को मैं क्लियर करता हूं कि ये मैंने क्या बनाया है, ये मैंने टीआरएनए बनाया है जो कि सही डायग्राम नहीं है, मैं केवल समझाने के वास्ते बना रहा हूं। जब मैं आरएनए आपको पढ़ाऊंगा तो टीआरएनए का स्ट्रक्चर अच्छी तरीके से क्लियर करूंगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। अभी आप समझना है, आपको एग्जाम मतलब एग्जाम्पल समझना है, ठीक है। ये टीआरएनए है जिस पर ये क्या है, ये एंटीकोडॉन है, ये कोड किसको कर रहा है, वैसे तो इसको एक ही को कोड करना चाहिए लेकिन जब ये एक से अधिक को कोड करता है, अब देखो ये दो कोडॉन को कोड कर रहा है, एक तो ये, दोनों का एंटीकोडॉन सेम है, दोनों का एंटीकोडॉन क्या है बच्चा, ए ए जी, दोनों का एंटीकोडॉन सेम है। यहां पर मैं ये बताना चाह रहा हूं कि भले ही इनका एंटीकोडॉन सेम है या ये दो कोड कर रहा है, दो अलग अलग कोडॉन को कोड कर रहा है, लेकिन ये जिनको कोड करेंगे, जो एमिनो एसिड ये बना रहे हैं, दोनों एमिनो एसिड मतलब ये दोनों मिलकर एक एमिनो एसिड को बना रहे हैं, सेम एमिनो एसिड को, वो कौन सा है, फिनाइल एलेनिन एमिनो अम्ल, ठीक है। मतलब मैं फिर से समझाता हूं, अपनी बातों को रिपीट करता हूं कि हमारे पास एक टीआरएनए है जिसके पास एंटीकोडॉन होता है, वैसे तो एक एंटीकोडॉन एक कोडॉन के लिए होता है लेकिन जब एक एंटीकोडॉन एक से अधिक कोडॉन को कोड करे तो इसको हम बोलते हैं वोबल परिकल्पना। और ये भले ही एक से अधिक कोडॉन को कोड कर रहा है लेकिन ये जो कोडॉन है ना वो भले एक से दो मतलब ज्यादा कोडॉन हो सकते हैं। देखो यहां पर देखोगे तो दो कोडॉन दिखेंगे, एक कोडॉन ये हो गया, दूसरा कोडॉन ये हो गया, ये दो कोडॉन मिलकर एक एमिनो अम्ल को कोड कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे फिनाइल एनिलीन को कौन कोड कर रहा है, यू 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 और यू यू सी, ये दो अलग अलग हैं लेकिन कोड किसको कर रहे हैं, एक को कर रहे हैं। बताइए समझ में आ गई, नहीं समझ में आई वीडियो को रिपीट करिए, मतलब पीछे ले जाइए, आपको समझ में आ जाएगी, फिर से देखिए इसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं सेंट्रल डोगमा क्या होता है। तो सभी बच्चों ने इस चीज को समझा कि डीएनए से आरएनए बनने को हमने क्या कहा, ट्रांसक्रिप्शन कहा, और आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रोसेस को हमने क्या कहा, ट्रांसलेशन कहा। और इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल डोगमा बोलते हैं। मैं कहना यह चाहता हूं कि डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं बच्चा, सेंट्रल डोगमा बोल देते हैं। इसमें कहीं पर कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि दिया इसको किसने था, जो दिया इसको था हमारे क्रिक ने, ठीक है। और क्रिक ने क्या बताया कि जब डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन बनती है, इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, एक साथ सेंट्रल डोगमा बोल देते हैं। बतिया समझ में आई कि नहीं, आ गई, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो समझो मेरी बात को, डीएनए से आरएनए बना तो हमने इसको ट्रांसक्रिप्शन कहा, आरएनए से प्रोटीन बना तो मैंने इसको क्या कहा, ट्रांसलेशन कहा। लेकिन जब ऐसा हो बच्चा कि जब आरएनए से फिर से डीएनए बन जाए, अभी देखो आरएनए से प्रोटीन बन सकता है ये तो एक बात, तो इसको मैंने क्या कहा, इसको मैंने ट्रांसलेशन कह दिया। लेकिन जब आरएनए से फिर से डीएनए बन जाए तो इसको मैं क्या बोलता हूं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलता हूं। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के बारे में दो चार पॉइंट बताने वाला हूं, एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी पर नहीं है। बतिया को अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करिए, देखिए आरएनए से डीएनए बनने की प्रोसेस को हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं बच्चा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। जब मैं आपको वायरस पढ़ाऊंगा, जब मैं आपको वायरस पढ़ा रहा हूंगा और जब मैं एड्स पढ़ाऊंगा आपको, वहां पर ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का काम आएगा, वो तो आपको डिजीज वाले चैप्टर में समझ में आएगा। यही कॉन्सेप्ट है बच्चा, अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर करेंगे तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का पहला पॉइंट ये है कि आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। और इसको दिया किसने था, इसको दिया था टेमिन और बेल्टीमोर ने। क्या दिया था, टेमिन और बेल्टीमोर ने इसको दिया था, और दिया था किस पर, सार्कोमा वायरस पर। बताया सार्कोमा वायरस पर इन्होंने पहली बार रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को देखा था, और इसीलिए इसको हम किस नाम से भी जान जाते हैं,
टेमिनिज्म के नाम से भी जान देते हैं। ठीक है, टेमिनिज्म का मतलब सीधा सही है कि कहीं ना कहीं साइंटिस्ट अपने नाम पर इस बात को बताना चाहते हैं, टेमिनिज्म भी हम इसको बोल देते हैं। किसको? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को। इतना समझ में आ गया। अगला वाला पॉइंट समझिए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज या हम इसको बोल देते हैं आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज काम में आता है। ये इंपॉर्टेंट है कि रिवर्स ये इंपॉर्टेंट है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज या आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज काम में आता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आगे आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से पूछे गए, मैंने पॉइंट लिखा दिया, एनसीईआरटी पर आपके नहीं है, तो इनको आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक। अगला पॉइंट जो हमारा मतलब अगला टॉपिक जो हमारा होने वाला है वो होने वाला है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, द लैक ओपेरॉन का कॉन्सेप्ट हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वहां से बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऐसे ही टॉपिक वाइज चीजों को पढ़ते रहे, कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करिए, कंप्लीट लेक्चर देखिएगा, सभी लेक्चर टॉपिक वाइज अवेलेबल है मेरे प्लेलिस्ट पर, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है। ठीक है, थैंक यू, बाय।